किसके लिए मायरा लिए मेरे लिए, थैंक यू थैंक यू कितनी अच्छी खुशबू है देखो अब्बा ने अम्मा को दी है नमाज पढ़ने जाना है ना जी जाइए नमाज पढ़ना आप ये तो अम्मा के लिए पढ़े अब्बा को क्यों दिए ला के ला तो आज यहाँ पर हो रही है पेंटिंग अगर पेंटिंग देख लीजिए कितनी अच्छी हो रही है कितना प्यारा आपने आने पेंट करा वाह 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 वा। मायरा अपना दिखाना <laughs> चिल्लाना नहीं है बिल्कुल भी मायरा फेस देखो अपना देखो कितने अच्छे लग रहे हो यार मारा देखे <laughs> मेरा तो है। मैंने तो तो आपका फेस भी इतना प्यारा लग रहा है अपना बिल्कुल भी कलर नहीं लगा मायरा के लग गया है आपके नहीं लगा ना जब देख कर आओ फेस वालेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं तो बीच में अफनान और मायरा की तबीयत ख़राब थी माशाल्लाह से वो ठीक हैं और आज मैं बनाने जा रही हूँ न्यूट्रीला का पुलाव तो उसका सामान मैंने ले लिया है तो यहाँ मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज काट ली है रफ़ली और एक लहसुन की पूरी घंटी ले ली थी और मैंने ली हैं तीन हरी मिर्चें और तीन चार तेज़पात और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर अदरक का टुकड़ा लिया है एक छोटा सारा और दो चम्मच के करीब धनिया लिया है दो चम्मच के करीब सौफ़ ली है तो इसकी बनाएंगे यखनी बस यहाँ पर चिकन या मटन के जगह पर मैं आज न्यूट्रीला डालूँगी सेम वैसे ही पुलाव बनाऊँगी बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी बनता है और यहाँ पर मैंने दो ग्लास पानी डाल दिया है साथ ही डालूँगी इसमें मैं थोड़ा सा नमक बाकी मैं आगे भी नमक ऐड करूँगी तो यहाँ पर मैं एक चम्मच नमक डाल के इसकी यखनी बनने रख देती हूँ और यहाँ मैं गैस पे इसको रख दिया और इसको कवर कर दूँगी खूब अच्छे से खोलाना है ताकि सौफ़ का और धनिए का जितना भी फ्लेवर है सब पानी में आ जाए और यहाँ देखिए पानी हमारा खोल गया है यखनी खोल गई है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी और अभी एक दो खोल मैं इसमें और लूँगी उसके बाद गैस को बंद करूँगी देखिए कितना अच्छे से खोल है तो बस यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगी और यहाँ साइड में मैंने अपने चावल भी पहले से भिगो के रख दिए हैं ताकि थोड़ी देर ये भीग जाए ये दून मलाई चावल हैं आपके पास जैसे चावल हों आप उस हिसाब से भिगोइएगा और यहाँ पर मैंने उतने ही टाइम के लिए भिगोइएगा और यहाँ पर मैंने दो प्याज़ ले ली हैं उसको बहुत बारीक बारीक सा काट लिया है उसके बाद हाथ से इसको ऐसे जो है थोड़ा सा दबा दबा के इसको क्रश कर लेंगे ताकि एक एक जो प्याज का रेशा है वो अलग हो जाए इसको फ्राई करने में आसानी रहती है और यखनी मेरी हो गई है रेडी तो यखनी मैं छान लूँगी पानी इसका बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना है तो पानी अलग कर लेंगे सामान से और यहाँ पर मेरे पास है न्यूटीला इसको जो है मुझे गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखना है तो गर्म पानी मैंने कर लिया है उसमें डाल देंगे न्यूटीला पाँच सात मिनट के लिए और जब तक अपनी जो है बिरयानी भंगारने का इंतज़ाम स्टार्ट करते हैं और ये रहा भगोना मैंने बड़ा सा एक भगोना ले लिया है मैं तीन गिलास चावल की बिरयानी बना रही हूँ उस हिसाब से सारा सामान लिया है आप लोग अपने हिसाब से सामान और तेल वगैरह ले लीजिएगा और बिरयानी मैं बनाऊँगी कड़वे तेल में और इसको मैंने खूब तेल कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल मैंने ज़्यादा इसको अच्छे से गर्म किया उसके बाद मैंने इसमें चुटकी बार नमक डाल दिया था ताकि इसका जो रंग है वो थोड़ा सा साफ़ हो जाए और बिरयानी में जो है पीलापन ना आए और आप बिरयानी देखिएगा मेरी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है और यहाँ पर मैंने ज़ीरा लिया है सफ़ेद इलायची ली है दालचीनी ली है थोड़ी सी जावित्री ली है काली मिर्चें लौंगे और एक बड़ी इलायची और यहाँ पर अगर आपके पास चक्री वाला फूल हो तो आप वो भी ले सकते हो और यहाँ लहसुन अदरक लिया है और ये तेज़पात वही हैं जो मैंने यखनी में डाले थे प्याज़ फ्राई हो गई है उसको मैंने तेल समेत निकाल लिया है थोड़ा सा तेल छोड़ा है बाकी इसमें ये खड़े मसाले डालेंगे और ये मैंने यहाँ पर इलाचियों के मुंह थोड़े थोड़े से खोल दिए हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो अच्छे से तेल में आ जाए और एक मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जो तेजपात थे वो भी ऐड कर देंगे इसी में ही और इसको चलाना है बस हल्की सी इसमें चटक जाए मसाला बस इतना आपको बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करना है हल्की सी खुशबू तेल में आ जाती है इसकी और जले भी नहीं अगर ये जल जाएगा तो बिल्कुल बेकार हो जाएगी आपकी बिरयानी और यहाँ पर मैं डालूँगी लहसुन अदरक और यहाँ पर लहसुन अदरक को थोड़ा अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी कच्ची स्मेल सब निकल जाए तो गैस को आप हल्का ही रखिए हल्की गैस पे इसको फ्राई करते जाइए और ये बस दो मिनट में भुन जाता है डेढ़ मिनट में और यहाँ पर ये मोटी मोटी सी बड़ी बड़ी मेरे पास हरी मिर्च है आज मैं बिरयानी में यली मिर्ची डालूँगी मैंने चार मिर्च ली है इसको काट लिया है और यहाँ पर मैंने जो ये ये न्यूट्रीला अपने बॉयल किए थे बॉयल किया भिगोए थे बस उसको अब डाल के थोड़ा सा लहसुन अदरक के साथ फ्राई कर लेंगे जैसे चिकन करते हैं वैसे ही इसको भी फ्राई कर लेंगे ताकि थोड़ी सी इसमें भी सब मसालों की तेल की वो सॉरी गर्म मसाले की और लहसुन अदरक की खुशबू अच्छे से आ जाए और ये देखिए हमारा ये बिल्कुल भंगार रेडी हो गया है और ये यखनी जो है वो मैंने छान ली थी अब इसको नाप के पानी से जितना चावल होता है उस हिसाब से पानी डालते हैं तो यहाँ पर मैं तीन गिलास चावलों में साढ़े चार गिलास पानी डालूंगी यखनी का पानी मिला के साढ़े चार गिलास पानी डालूंगी और यहीं पर ही अगर आपको नमक मैंने एक ही चम्मच डाला था तो बाकी का नमक मैं यहीं पॉइंट पर डाल दूंगी बाकी आप आगे चल के भी टेस्ट कर सकते हो तो अगर कम लगे तो और डाल दीजिए और यहाँ मैंने अपनी मिर्ची भी डाल दी हैं और इसको खोलने रख दिया है मैंने चावल भी मैंने छन्नी में करके रख दिए हैं ताकि इसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सब निकल जाए और देखिए यखनी सॉरी हमारा जो भंगार था पूरा पानी अच्छे से खोल गया है तो इसमें अब हम चावल ऐड करेंगे सारे चावल डाल दीजिए और यहाँ पर भी आप एक बार नमक टेस्ट कर सकते हैं अगर आपको नमक हल्का लगे तो आप थोड़ा सा और नमक ऐड कर सकते हैं फ़िलहाल मेरा नमक तो हो गया था बिल्कुल परफेक्ट और यहाँ पर मैं इसको कवर करूँगी इसमें अच्छी सी बॉयल आने के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे और ये देखिए देखते ही कवर करते ही आ गई है इसमें अच्छी सी बॉयल तो बस यहाँ पर खूब अच्छे से बॉयल आने के बाद इसको थोड़ी सी मीडियम गैस पे पकने देंगे उसके बाद जब इसका पानी थोड़ा खुश्क हो जाएगा तो यहाँ पर मैं इसमें ऐड ऐड करूँगी अपना कलर मेरे पास ये ऑरेंज कलर है तो आपके पास जो ग्रीन येलो ऑरेंज जो भी कलर हो या मल्टी कलर हो आप जो भी चाहो वो इसमें डाल दीजिए मैं तो सिर्फ एक ही कलर डालूँगी और मैंने यहाँ पे एक ढक्कन केवड़ा डाला है और बाकी जो तेल और प्याज मैंने निकाल ली थी वो डाल दी है उसके बाद मैंने इसे अच्छे से दम में लगा दिया है और ये देखिए हमारी न्यूट्रीला बिरयानी बन बिल्कुल एकदम खुशबूदार बिरयानी बन रेडी हो गई है तो आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर ट्राई करिएगा इन अच्छी बनेगी तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए रेसिपी नए ब्लॉग के साथ तब तक दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज अपना ख्याल